गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग यूनिवर्सिटी के लेक्चर नंबर 5 तक देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पूरा उसका फॉर्मूला और प्रॉपर्टीज के बारे में जान चुका है। अब हम लोग केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 टाइप 1 का क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन आप लोगों को दिया, मतलब इसका आपको वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादातर देखने को मिलेगा, और सब्जेक्टिव में जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें भी इसमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है साइन इनवर्स √3/2। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव के पर्पज से है तो सिर्फ क्या करना है, बताना है कि साइन इनवर्स √3/2। तो बताइए साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, पाई बाय 3 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पाई बाय 3, क्योंकि इससे पहले हम लोग इसको डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फिर ये माइनस लगा हुआ है टेन में क्या लगा हुआ है, चलिए तो टेन इनवर्स अगर है -1/√3, तो हम जानते हैं कि टेन में अगर अंदर में माइनस है तो माइनस कहां चलाएगा, बाहर चलाएगा। फिर टेन में 1/√3 किसका मान होता है, पाई बाय 6 का होता है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, -π/6। उसी प्रकार आप लोग इसको बना सकते हैं। अब कॉट में माइनस अगर लगा हुआ है, कॉट में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो हम जानते हैं कि कॉट में अगर माइनस लगता है ना तो क्या करते हैं हम लोग, पाई में से उसको घटा देते हैं। इतना तो आप लोग जानते होंगे, इतना आप लोग जानते हैं ना। चलिए अब कॉट में √3 किसका वैल्यू, पाई बाय 6 का, किसका होगा, पाई बाय 6 का, यानी कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 5π/6। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब इस क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, कॉट इनवर्स कॉट 5π/5, यानी कि कॉट इनवर्स कॉट 5π/4। लेकिन एक बात जानिए, डायरेक्ट जो है यहां पर 5π/4 नहीं लिखाएगा, कहेगा सर इनवर्स कॉट कट गया, नहीं कटता है जब तक ये इसके मुख्य सहायक का नहीं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 5π/4 क्या है, वो मुख्य सहायक का है, नहीं ना है मुख्य सहायक का, तो क्या करेंगे, चलो तुम जानता होगा कि कॉट पाई प्लस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के, जानते हो कि नहीं जानते हो। तो अगर हम मान लो इसको ऐसे लिख दिए, देखो कॉट इनवर्स क्या लिख देंगे इसको, कॉट इसको हम लोग पाई प्लस पाई बाय फोर कर सकते हैं कि नहीं, इसको बताओ, कोई दिक्कत, कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस पाई बाय फोर कर सकते हैं, कहे कि पाई प्लस पाई बाय फोर फिर कितना चलाएगा, 5π/4। अब फॉर्मूला क्या अप्लाई करिएगा आप लोग, कॉट पाई प्लस थीटा मतलब कितना, कॉट थीटा, अब बराबर में कितना चलाएगा, पाई बाय, कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोगों को, अगर समस्या है तो आप इसको बोल सकते हैं दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसी प्रकार ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। आप कहिएगा सर इसमें क्या करें, इसमें आर्क लिखा हुआ है, तो मैंने जब शुरू में ही बताया होगा तो आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स होता है, क्या होता है, आर्क साइन एक्स का मतलब साइन इनवर्स। तो इसको आप सॉल्व करके बना सकते हैं क्वेश्चन को, उसी प्रकार इसको भी बना सकते हैं, पावर इसका आंसर कितना हो जाएगा बताओ, 7π/6 है ना, देखो तुम पाई प्लस पाई बाय 6 कर सकता है, आंसर क्या होगा इसका, पाई बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां क्या होगा, देखो इसको 13π/6 है ना, इसमें 2π में से घटाओ इसको, लेकिन 2π में से भी क्या है, ये ज्यादा है, 2π से भी क्या है, तो इसको हम क्या कर देंगे, देखो 2π प्लस, देखो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉस 2π प्लस π/6, और हमको पता है कि कॉस 2π प्लस थीटा किसके बराबर, कॉस 2π प्लस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, यानी आंसर क्या होगा इसका, π/6। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो आप जो भी त्रिकोणमिति 11th क्लास में पढ़े हैं, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, ये सारा आपको ध्यान में रहना चाहिए शॉर्टकट के लिए, ठीक है। इसी प्रकार यहां क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें तो बड़ा ही आसान है, साइन वाले में पाई में से घटा दीजिए, इसमें किस पे कितना से घटाइएगा, साइन वाले में पाई में से, अगर ऊपर वाला कम रहा तो कितना में से घटाइएगा, पाई में से,
घटाइए पाई माइनस थ्री पाई बाय फाइव कितना आ जाएगा बोलिए जल्दी बोलिए टू पाई बटा यानी कितना हो जाएगा इसका आंसर टू पाई बटा। अच्छा ऐसा क्यों किए सर डायरेक्ट कहा नहीं लिखे अरे बुजुर्ग देखो ये जो है क्या करेगा इसके मुख्य शाखा में बिलोंग इसलिए थ्री पाई बाय फाइव हम लोग बात समझा कि नहीं समझा चलो अब देखो इतना क्वेश्चन हम कितना तो इसी प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन भी देखते हैं ठीक है। और अगर आपको डाउट होता है क्वेश्चन में तो आप जरूर कमेंट कीजिए सर हमको इस क्वेश्चन में डाउट है आप इसको दोबारा से बताइए ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको नोट कीजिए आप लोग तो ये हम लोग टाइप वन का क्वेश्चन नंबर थ्री का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है केसी नाम है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है इसमें भी क्या करना है इसका वैल्यू बताना है ठीक है। तो हम जानते हैं कि अर्क मतलब क्या हो गया अर्क का मतलब क्या हो गया इनवर्स तो अर्क को हम क्या लिख देंगे साइन इनवर्स वन बटा टू फिर उसी प्रकार इस अर्क के लिए क्या लिख देंगे थ्री टेन इनवर्स माइनस वन फिर इसको क्या लिख देंगे टू कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू ठीक है इतना। अब एक और चीज जानिए कि साइन इनवर्स वन बाई टू का वैल्यू कितना होता है तो साइन में वन बाई टू किसका वैल्यू से बताइए पाई बाय सिक्स का यानी तीस डिग्री का मान कितना होता है वन बाई टू यानी कि कितना हो जाएगा पाई बाय देखो तीस डिग्री है और तीस डिग्री को पाई बटा एक सौ अस्सी से गुना करोगे तो कितना आएगा पाई बटा छ यानी यहां क्या लिख देंगे हम लोग क्या बैठा देंगे पाई बटा छ। चलो अभी टेन में क्या लग गया माइनस लग गया क्या लग गया देख रहा हम माइनस टेन इनवर्स वन कर सकते हैं कि नहीं सो बताओ चलो फिर कॉस में लग गया माइनस तो क्या करेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई ऐसा कर सकते हैं कोई दिक्कत है किसी को इससे ही क्या हो गया कितना बचा रहे पाई बटा माइनस प्लस चलो टेन में वन किसका वैल्यू होता है तो ये डायरेक्ट भी हम लिख देंगे पाई बाई फोर चलो उसके बाद टू को पाई से करेंगे तो टू पाई टू को इससे करेंगे तो अब कॉस में वन बाई टू किसका वैल्यू कॉस में वन बाई टू किसका वैल्यू कितना हो पाई बाय थ्री चलिए अब देखिए इसमें क्या हो गया पाई बटा तीन माइनस तीन पाई बटा चार प्लस टू पाई माइनस टू पाई बटा किसी को समस्या है यहां तक में किसी को डाउट है क्या डाउट है बोलिए किसी को डाउट है इसमें कॉस में अगर नेगेटिव देखिए कॉस कॉट और सेक में अगर नेगेटिव रहे तो किस में से घटाते हैं पाई में से घटना पड़ता है ठीक है। ये शुरू में ही प्रॉपर्टी हम लोग किसमें नहीं 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 चार में प्रॉपर्टी चार या पांच में लगभग हम लोग इसको पढ़े थे ठीक है। अब इसमें भिन्न का जोड़ करना है हो देखिए या कुछ नहीं तो एक होगा तीन चार तीन का एलसीएम अब भिन्न का जोड़ आता है कि नहीं आप लोगों से बताइए चार पाई ओकरा बाद कितना होगा रे तीन तिहाई नौ पाई अब बारह दुना चौबीस पाई माइनस आठ पाई चल अब कौन कौन हो जाएगा देख चौबीस चार अट्ठाईस पाई माइनस नौ आठ बट्टा घटाएगा तो कितना रे ग्यारह पाई बटा। अब मुझे है कि आशा की आंसर मिल गया होगा आप लोग को। अच्छा ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग से बनेगा कि नहीं सो बताइए बन जाएगा चलिए नोट कीजिए इसको। तो देखिए अब हम लोग का टाइप टू है क्वेश्चन नंबर फोर का दूसरा। देखिए ये जो है हम जो तो बुक कर रहे हैं वो ओल्ड केसी सिन्हा है ठीक है। अभी न्यू सिलेबस जो जारी हुआ है उसमें क्या है कि एनसीईआरटी ने कुछ एनसीईआरटी को क्या किया है कुछ टॉपिक को हटा दिया गया है ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है ओल्ड केसी सिन्हा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में ओल्ड केसी सिन्हा से भी क्वेश्चन आता है जो टॉपिक हटाया हुआ है उससे ठीक है बात को समझ रहे हैं। तो चार का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ओल्ड केसी सिन्हा में है टैन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। अब इसको क्या करना है सुनिए इसमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है किसमें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में
ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने एक बताया था आपको पिछले एक लेक्चर में कि जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, जैसे कि अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे रूट के अंदर, तो एक्स का क्या रखते हैं, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा, ठीक है, ठीक है, बात समझ गए। अच्छा एक बात है कि पिछले लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन बताया भी था, लेकिन कुछ बच्चों का क्वेश्चन है तो पता नहीं वो पढ़वो करते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पता ही नहीं है हमको, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्या रखना चाहिए हमको, एक्स का क्या रखेंगे, या तो हम ए टेन थीटा रख सकते हैं या ए कॉट थीटा। अब सुनिए यहां पर ए का जगह कितना है, यहाँ एक है, एक है ना, तो क्या हो जाएगा, सीधे टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है, और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, चलिए तब हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस बटा टेन थीटा। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब देखिए सेक स्क्वायर रूट के अंदर होगा, तो सेक स्क्वायर अगर रूट के अंदर है तो उसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सेक थीटा, क्या लिख देंगे, सेक थीटा माइनस वन बटा में टेन थीटा, ठीक है। अब सुनिए अब क्या है, टेन इनवर्स सेक टेन है, तो अब अंदर वाले को अगर टेन में लाना है तो एक उपाय है इसका कि सबको कॉस और साइन में चेंज कर दीजिए, तो हो जाएगा वन बाई कॉस थीटा माइनस वन बट्टा में साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब डायरेक्ट इससे तो ये डायरेक्ट कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है माइनस वन घटाया गया है, तो हम क्या करेंगे इसको पहले भिन्न का घटाव करेंगे, ठीक है, तो भिन्न का घटाव क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बट्टा में, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, हो साइन बट्टा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस, अब सुनिए वन माइनस कॉस है बट्टा में साइन है, तो वन माइनस कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, वन माइनस कॉस का होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बट्टा टू। देखिए जिसको फॉर्मूला में दिक्कत है तो पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर थ्री में हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला किया है, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर क्या होगा, साइन की जगह पर टू साइन थीटा बाई टू, चलिए अभी टू से टू क्या हो गया, एक साइन से एक साइन क्या हो गया, क्या हो जाएगा, हो टेन इनवर्स। अब देखिए एगो साइन तो बचा ना रे, एगो यहां कॉस बचा था, क्या लिखेंगे यहां, टेन थीटा बाई टू, अब बराबर क्या चलाएगा, थीटा बटा टू, थीटा का मान कितना आया है, कितना हो जाएगा आंसर। अब बताइए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये ना है, ज्यादा आसान कौन लग रहा है आपको, ये कि ये, बात समझ रहे हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदलते हैं, हम लोगों ने फॉर्मूला जो किया था पिछले लेक्चर में उसी का यूज करके हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, और हम लोगों ने यह भी देखा था कि कैसा फॉर्म रहेगा रूट के अंदर तो हम लोग क्या पुट करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो फिर आगे क्वेश्चन है चार का चौथा नंबर, ये कॉट इनवर्स। अब देखिए इसमें इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, किसमें लिखना है, तो हमको पता है कि वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए तो वन प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अगर यहां माइनस होगा तो क्या होगा, यहां भी ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला पहले से, जानते हैं कि नहीं जानते हैं सो बताइए, तो यहां पर लिख देंगे चूंकि वन प्लस साइन एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और अगर माइनस रहेगा तो यहां भी माइनस। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, चलिए इसके जगह क्या रखेंगे, हो वन प्लस साइन एक्स की जगह कॉस एक्स बाई टू प्लस का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर यहां क्या है, हो क्या रहेगा बताओ, यहां पीछे माइनस है ना, कोई दिक्कत किसी को, विपिन जी, विपिन जी, ओ विपिन जी,
क्या होगा वो बताइए ना थोड़ा सा हमको भी। का होगा वो एक बात का होगा बताइए, ये स्क्वायर है रूट है तो स्क्वायर रूट का क्या होगा, इस मान तक हर बात खत्म। चलिए चलो स्क्वायर से रूट हट गया तो क्या लिखेंगे यहाँ कॉस एक्स बाई टू। अब देखिए यहाँ पहले प्लस लगा हुआ है तो अगला का जो चिन्ह होगा वही लिखाएगा। रुक अभी रुक बट्टा नीचे क्या होगा अब यहाँ देख माइनस है तो अगला का जो चिन्ह होगा वो पलट जाएगा प्लस में तो किसमें हो जाएगा माइनस में तो होगा रे। चल अभी साइन से साइन कॉस से कॉस अब देख कॉस से कॉस कितना होगा रे। चलो कॉट इनवर्स यह जाएगा टू कॉस यह जाएगा टू साइन टू से टू सुन 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 कॉस बाय साइन क्या होता है अब बाहर क्या निकल जाएगा। चलो ठीक है कोई दिक्कत यही क्या हो जाएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको आप लोग नोट कीजिए आगे फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम लोग अब टाइप थ्री में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है इसमें है टैन इनवर्स 2a माइनस b अपॉन b रूट 3 प्लस टैन इनवर्स 2b माइनस a अपॉन a रूट 3 इसको कितना लाना है पाई बटा 3 लाना है। ठीक है ये जो क्वेश्चन है आपका सबसे पहले इसमें हम लोग क्या लेंगे LHS लेंगे क्या लेंगे LHS। चलिए तो LHS हम लेते हैं क्या है LHS tan इनवर्स 2a माइनस b बटा b रूट 3 प्लस tan इनवर्स 2b माइनस a बटा a रूट 3। ठीक है अब सुनिएगा एक चीज और बात समझिएगा कि इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है तो एडिशन फॉर्मूला जो था हम लोग का कि tan इनवर्स x सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है वो बताइएगा थोड़ा सा। अगर सुनिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ठीक है इसका फॉर्मूला क्या होता है विपिन जी बताइए फॉर्मूला को बताइए तो क्या होगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बताओ खड़ा हो खड़ा हो ठीक है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू y। ठीक है तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे इसी फॉर्मूला पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है क्या कर देंगे एडजस्ट कर देंगे। चलिए अब सुनिए फॉर्मूला पर तो एडजस्ट आप लोग करने आता है ये समय तो आप लोग माहिर हैं कैसे देखिए ये आपका पूरा x हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा पूरा y। चलिए तो प्लस अगर है तो एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ेंगे चलिए जोड़ते हैं तो 2a माइनस b बट्टा b रूट 3 प्लस 2b माइनस a बट्टा a रूट 3। चलिए अब बट्टा में क्या होगा हो चलिए tan इनवर्स को थोड़ा सा ना सामने लिखते हैं बट्टा के सामने मुझे देखने में तो नहीं अच्छा लगना चाहिए ना क्या होगा बोलो आप बोलो क्या होगा 1 माइनस अब एक बार क्या करेंगे दोनों को गुना कर देंगे चलो 2a माइनस b बट्टा इंटू 2b माइनस a बट्टा कोई दिक्कत इसमें नहीं ना दिक्कत है यहां तक में किसी को समस्या है तो बोलिए यहां तक में समस्या नहीं होने चाहिए चूंकि ये फॉर्मूला पर बैठा है। चलिए अब आपको पता है कि यहां पर हमको भिन्न का जोड़ करना होगा कि नहीं करना होगा अच्छा देखते हैं करके होता है कि नहीं। चलिए b रूट 3 और a रूट 3 का एलसीएम कितना होगा बताइए रूट 3 a इंटू बी आ यहां किससे गुना होगा a से। चलिए आ यहां कितना से गुना होगा बताओ विपिन वाह चलो आप सुनो रे यहां पर क्या हो जाएगा बताओ
यहाँ कुछ नहीं तो नीचे कति होगा, एक होगा। चलो यहाँ हो जाएगा थ्री ए बी, क्या हो जाएगा गुना करेंगे तो, अरे रूट तीन को रूट तीन से करेगा थ्री होगा, ए को बी से करेगा था क्या हो जाएगा थ्री ए बी माइनस। अब इसको तुम इससे गुना करो, कति प्लस में है रे, कति प्लस में है, मतलब माइनस में कहाँ लिखे हैं हम, यहाँ कुछ नहीं तो एक है। चलो अब सुनो रे, ए बी से ए बी कट जाएगा, तीन से रूट तीन कटेगा, क्या मतलब है, आई रूट तीन कहाँ चला जाएगा। चलो ठीक है, रूट तीन ऊपर चला गया, वेरी गुड। अब इसको गुना कीजिए, कितना होगा, टू ए स्क्वायर होगा माइनस ए बी प्लस टू बी स्क्वायर माइनस ए बी। चलिए हो, सुनिए सुनिए सुनिए, सेम सेम कहाँ कोनो है, कहाँ कोनो सेम सेम, देखो आप सुनो रे, थ्री ए बी माइनस, अब एक गुना करना है आपको, क्या करना है, तब गुना करिएगा, तब माइनस टू ए को टू बी से कीजिए, तो माइनस फोर ए बी होगा, कितना होगा रे, माइनस, फिर इसको करेगा इससे तो कितना होगा रे, प्लस टू ए स्क्वायर होगा, फिर करेगा इसको तो प्लस टू बी स्क्वायर और माइनस ए बी, ऐसा होगा कि ना होगा रे, बताओ। चलो अब टेन इनवर्स एकदम आसानी से करिए आप लोग, सुनो रे सुनो, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए बी, माइनस ए बी कितना होगा बताइए, माइनस ए बी, माइनस ए बी कितना, माइनस, चलो बट्टा में यहां सुनो, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर है, बिल्कुल है सर, थ्री ए बी या माइनस, सुनो रे सुनो, अगर इसको तुम जोड़ घटाओ करेगा, थ्री ए बी माइनस फोर ए बी या माइनस ए बी, क्या बचेगा, माइनस फोर ए बी माइनस ए बी, माइनस पांच ए बी होगा, आई में तीन ए बी जोड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस, चलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ही खलास हो गया। चलो सुनो अब क्या हो जाए, खलास मतलब खत्म हो गया, कितना बचा, टेन वर्स, बोलेगा सर कट गया था, क्या बचेगा सर, अरे वन बचेगा इसमें, क्या बचेगा, और रूट तीन को वन से गुना करेंगे तो रूट तीन आएगा। अब तुमको तो पता है ना कि टेन में रूट तीन किसका मान होता है, पाई बटा तीन का, सिक्स का, पाई बटा तीन का, यानी कितना जाएगा आंसर, आगे आर एच एस, इसलिए क्या रेज हो गया, आर एच एस बराबर, अब सुनिए, अब हम लोग यहां तक आने देते हैं, आगे आप लोग क्या कीजिएगा, कल फॉर्मूला वगैरह को याद करके रखिएगा और आगे क्वेश्चन देखिएगा बना करके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।